हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इतिहास की गूंज। दोस्तों, इतिहास की गूंज में आज हम देखने वाले हैं जाफराबाद फोर्ट, जो कि जालना ज़िले के जाफराबाद तहसील में है। ये एक बहुत बड़ा और पुराना फोर्ट है, इसे जाफर खान जो कि मुग़ल कमांडर थे उन्होंने बनाया। तो दोस्तों, आज हम ये वीडियो देखने वाले हैं, तो वीडियो में आखिर तक बने रहे। ये दोस्तों दिल्ली गेट, इस दरवाजे का नाम है दिल्ली गेट, जो कि काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं। मुगलों के दक्षिण जाने वाले रास्ते पर बना हुआ था ये किला, उस नजरिए से ये बेहद इम्पोर्टेंट था। काफी बड़ा गेट है ये। जब भी मुगलिया सेना दक्षिण की ओर जाती तो यहाँ से गुजरती और इस किले में वे कुछ दिन आराम करते। इस किले को दो तरफ से नदी का संरक्षण प्राप्त है, उस नजरिए से ये बेहद ही सुरक्षित किलों में से एक था मुगलों का। दिल्ली गेट इस दरवाजे का नाम, लगभग एक किला ढह चुका है, कुछ ही हिस्सा इसका बाकी है। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ अंदर जाने के लिए रास्ता है। मुगल कालीन किला आज कुछ इस हालत में है। दोस्तों, इस किले के एक बुर्ज के ऊपर दरगाह भी है, तभी हम ऊपर जाके देखेंगे। दरगाह के ऊपर दरगाह जो है, इस किले का जो स्ट्रक्चर है वही बता रहा है कि ये किला अतीत में बेहद खूबसूरत रहा होगा। यहाँ से ऊपर जाने के लिए रास्ता, जाफराबाद का किला। इस किले को अंदरूनी किले के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ दो रास्ते, इस रास्ते में यहाँ पे एक कमरा है, देख सकते हैं। अरे, होल जो देख रहे हैं ये तो सुरक्षा के लिहाज से आपको हर किले के बुर्ज के ऊपर देखने को मिलेंगे। रोशनी और ताजी हवा आने के लिए, हर समय पड़ने पर दुश्मनों पर आक्रमण करने के लिए किले के अंदर बुर्ज के ऊपर यहाँ पे सैनिक छुपा हुआ करते थे, और दुश्मन आया तो उसके ऊपर तीरों से बोलो या गोलियों से बोलो उसके ऊपर हमला किया जा सकता था, उस लिहाज से ये बनाए जाते थे। यहाँ से है दरगाह का रास्ता। ये किस हजरत की मजार है यहाँ पे तो पता नहीं है किसी को भी, लेकिन इसे किले के बुर्ज के ऊपर बनाया गया है, एक साइड में दरवाजे के पास, दिल्ली दरवाज़ा जो है उसी के एक बुर्ज के ऊपर ये मज़ार है। और यहाँ से आप देख सकते हैं सारा जाफराबाद शहर आपको देखेगा, और यहाँ से किले की दीवार भी दिखती है। जाओ ऊपर, जाओ ऊपर, जाओ साइड कर लो।
से आप देखेंगे तो किले की दीवारें आपको नजर आई। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया है, इस किले को अंदरूनी किला भी कहा जाता है। मुगल कमांडर जाफर खान के अंदर में ये किला बनाया गया था, जो कि बहुत बड़ा और रहस्यमय किला है। इसके और एक और है नदी, तो दूसरे दो तरफ से इसे संरक्षण प्राप्त है इस किले को। और इस किले की दीवार के ऊपर इतना रास्ता बना पाई कि इंसान दौड़ सकता। देख सकते हैं इसकी दीवारें। यहाँ से उतरना है। तो दोस्तों अभी हमने दिल्ली दरवाजा और ऊपर एक मज़ार देखी है, अभी इसके हम दूसरे दाखिली रास्ते पे जाएंगे। तो वीडियो में आखिर तक बने रहेगा। दोस्तों ये जो किला है ये बहुत ही बड़ा है और इसके जो दरवाजे हैं ये बहुत दूर दूर है। तो अभी हमने एक दरवाज़ा देखा है, अभी दूसरे दरवाजे को देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो में आखिर तक बने रहे। ये है इस किले का बुर्ज, काफ़ी बड़ी दीवारें हैं इस किले की। पत्थर का बना हुआ है। ये है इसका और एक दरवाजा। वैसे तो इससे कई और छोटे छोटे दरवाजे गेट भी है जो इमरजेंसी में यूज किया जा सकता था, लेकिन ये दो बड़े दाखिली रास्ते थे, एक जो हमने देखा और ये एक है। ये भी काफी बड़ा दाखिली रास्ता है किले में इन आउट के लिए। दोस्तों यहाँ पे काफी पुरानी कब्रें आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे एक पुरानी मस्जिद है, कुछ मज़ारे है और यहाँ पे एक बारा है। तो ये सब कुछ अभी हम देखेंगे। और दोस्तों मस्जिद के अंदर आते से यहाँ पे गौसे पाक का छलावा देखने को मिलेगा, जो कि ठीक मस्जिद के सामने है। गौसे पाक का छलावा और कुछ मज़ारे भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दोस्तों अभी हम मस्जिद के अंदर जाएंगे, ये भी काफी पुरानी है, इसे हम आगे पीछे से देखेंगे। एक मुगल कालीन मस्जिद, इस मस्जिद का नाम मकबरा मस्जिद है। जफर बादशाह ने इस किले की तमीर करवाई थी, जो कि मुगल कमांडर थे, और बेहद खूबसूरती से रंग दिया गया है। दोस्तों हमें यहाँ पे एक नन्हे दोस्त शारक भाई मिले हैं, जो कि हमें ये यहाँ पे मस्जिद के पीछे का भाग दिखाने वाले और बारों में लेके जाने वाले, क्योंकि किला काफ़ी बड़ा है और टूट चुका है, झाड़ी आ गई, इसकी वजह से यहाँ पे पता नहीं चलता है कि कौन सी मॉन्यूमेंट कहाँ पर है। इसलिए शारिक भाई हमें ये किला घुमा रहे हैं। दोस्तों हमने जो मस्जिद अंदर से देखी, मस्जिद के नीचे एक कमरा है बाहर से, इस कमरे को देख सकते हैं। यहाँ से मस्जिद के पीछे का हिस्सा हम देखेंगे। और ये है मस्जिद के पीछे का हिस्सा।
पीछे से भी बेहद खूबसूरत है ये मकबरा मस्जिद। और दोस्तों मस्जिद के पास में ही यहाँ पे एक बेहद बड़ा कुआ है, जो कि कुएं के अंदर कमरे भी है, तो अभी हम कुएं के अंदर जाके देखेंगे। अंदर जाने वाले जो कि यहाँ से ये रास्ता है कुएं का अंदर जाने के लिए। बेहद खूबसूरत ये कुआ आप देख सकते हैं। ये जो कचरा है, ये कचरा नहीं दोस्तों, बारिश के पानी की वजह से ये सब यहाँ पे जम चुका है। उस जमाने की सबसे बड़ा कुआ इस किले का। इस कुएं के अंदर कमरे हैं, आप देख सकते हैं, रास्ते दिखाई दे रहे हैं आपको। यहाँ से अंदर जाने के लिए एक खुफिया रास्ता भी है, इसीलिए इसे अंदरूनी किला भी कहा जाता है। यही वो कुआ है, हमने देखा है, और ये मकबरा मस्जिद। तो आइए अब दूसरे गेट के पास चलते हैं। तो दोस्तों ये है मुगल कालीन निज़ाम कालीन गेस्ट हाउस। हैदराबाद के निज़ामों के आराम के लिए ये बनाया गया था। ईंटों और मिट्टी में बना हुआ है ये रूम। अगर हम देखें तो ये किले की सबसे ऊंची जगह है, इसके पास में ही नदी है। और दोस्तों यहाँ पे दो नदियों का संगम है, खेलना और पूर्णा नदी का। तो अभी हम वही संगम को देखेंगे नीचे जाकर। यहाँ से आप देख सकते हैं किले की सबसे ऊंची जगह है ये। मुगल सल्तनत के पतन के बाद ये जो एरिया है, ये हैदराबाद के रजाकार जो आसफ जहाँ डायनेस्टी थी उनके अंडर में आया था। और ये जो आप देख रहे हैं हवेली गेस्ट हाउस, ये उन्हीं के आरामगाह के लिए बनाई गई थी। सबसे ऊंचाई पे है ये जगह, इसके जो वॉल है ये टूट चुके हैं और आज कुछ इस तरह है ये। अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये किले की वॉल है, ये बड़ी दीवार, इसका कुछ हिस्सा यहाँ पे गिरा हुआ है। यहाँ पे किले के जो वॉल है ये एंड हो जाती है। और आप ये जो नदी देख रहे हैं, ये है पूर्णा नदी। आप उस ओर जो देख रहे हैं तो वहाँ से आती है केलना नदी, और इस ओर से आती है पूर्णा नदी, और ये यहाँ पे मिलके ये पूर्णा नदी जाती है। यानी जो केलना नदी है वो आगे आके पूर्णा नदी को मिलती है, उसका मिलाप होता है, और यहाँ से पूर्णा नदी स्टार्ट होती है और ये आगे तक जाती है। ये है किले की वॉल। काफी बड़ा हिस्सा है ये।
ये है नदी, पूर्णा नदी। उस ओर एक बुर्ज है नदी का, तो चलो वहां पे जाके देखते हैं नदी के बुर्ज को। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस किले को दो तरफ से कुदरत का संरक्षण प्राप्त है। इसके पीछे पूर्णा नदी है और ये किले का वॉल आप देख रहे हैं, पास में ही एक बड़ा बुर्ज है। तो चलो बुर्ज को देखते हैं। दोस्तों ये जो बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं, ये किले की दीवारें हैं जो ढह चुकी है। देख सकते हैं इस ओर जो किले की जो दीवारें गिरी हुई है उसी का ये मलबा है। यहाँ से रास्ता और इधर बुर्ज है। यह है किले का बुर्ज। और ये है पूर्णा नदी। इस वक्त हम पूर्णा नदी में खड़े हैं। यहाँ का जो जल स्तर है वो बहुत कम है, अभी देख सकते हैं आप। और ये है किले का बुर्ज। उस जमाने में अगर किले को देखेंगे तो यहाँ से बेहद ही खूबसूरत रास्ता दिखता होगा ये नदी का। और नदी का अगर जल स्तर बढ़ गया तो बुर्ज के काफी ऊपर तक पानी आता होगा। दोस्तों ये है दरगाह शाह अमान शाह रहमतुल्लाह की, जो कि जाफराबाद की किले के अंदर ही है। और ये हजरत की मजार। और इनके मजार के ऊपर बेहद ही शानदार और खूबसूरत मकबरा। और ये है मकबरे का डोम गुंबद। हजरत के विशाल 21 साल पहले हुई थी। 125 साल आपने इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारी है। और 90 साल पहले वे जाफराबाद आए थे। पास ही में मस्जिद है। और 125 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। अरे बेहद ही खूबसूरत मकबरा तामीर किया गया है, देख सकते हैं आप। और पास में ये मस्जिद। तो दोस्तों मैंने आपको अंदरूनी किला बताया, किले के अंदर की इमारतें, दरगाह और मस्जिद सब कुछ बताया। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय बाय।